आपका पहला महीना है रियल एस्टेट बिजनेस में, आप अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं इस रियल एस्टेट बिजनेस को, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तभी जाके आप लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल हो पाओगे अपने रियल एस्टेट बिजनेस में। दोस्तों, मेरा नाम है विनय सजवान, स्वागत है आपके अपने चैनल योर प्रॉपर्टी शो में, जहां पर हम आपके रियल एस्टेट बिजनेस को एक्सपोनेंशियली बिल्ड करने में मदद करते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग क्वेरी कर रहे थे कि सर, हम रियल एस्टेट बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, प्लीज हमें गाइड कीजिए कि क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए, पहले महीने क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए इस वीडियो को बनाया जाए। मैं एक छोटा सा स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा, छोटी सी इंसिडेंट, छोटा सा वाक्य शेयर करूंगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आपका पहला महीना है, पहला जस्ट स्टार्टिंग है जर्नी रियल एस्टेट बिजनेस में, तो इसलिए मैं आप लोग के साथ इस वाक्य को शेयर करना चाहूंगा। मेरे एक जानने वाले हैं, उनका उनका अपना रियल एस्टेट का वर्क है, अपना काफी बहुत अच्छा वर्क है रियल एस्टेट बिजनेस का, बहुत अच्छा वर्क करते हैं प्रॉपर्टी का। तो उन्होंने एक नया स्टाफ रिक्रूट कराया था अपने पास, अभी रिसेंटली 2-3 महीने हो गए हैं। तो उन्होंने कहा, मैं जस्ट बैठा हुआ था तो उनके स्टाफ में से एक ने कहा कि सर, आपने एक प्रॉपर्टी लिस्ट करी थी और क्या मैं उसका वो प्रॉपर्टी अवेलेबल है? मैंने बोला कि हाँ, वो प्रॉपर्टी अवेलेबल है अभी। बोला सर, मैंने बोला किसके लिए, आप किसके लिए पूछ रहे हो? बोला मेरे एक दो क्लाइंट हैं तो उनको बतानी थी। तो उन्होंने पूछा कि सर क्या प्राइस है उसकी? मैंने बोला 35 लाख का है। तो बोला सर मैं बढ़ा के बोलूँ? तो मैंने उनको उसी समय एक चीज कही कि देखिए, आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं इस रियल एस्टेट बिजनेस को, तो एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, प्राइस बढ़ा के नहीं बोला जाता कभी भी। कि आप सोच रहे हो कि बढ़ा के आप अपने क्लाइंट को बोल दोगे, आज के जमाने में क्लाइंट बेवकूफ नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ओनर की डिमांड 35 लाख की है, वही मार्केट में कोट कर रखा उन्होंने, तो आप 35 ही बोलिए, आप बढ़ा के 38 या 39 मत बोलिए। मैं आपको बहुत बड़ा रीजन बताता हूं। लेट सपोज उस क्लाइंट ने आपको आपने उसे 38-39 बता दिया, वो चला गया उस लोकेशन में, आपने उसको इमेज भी शेयर कर दी, सब चीजें शेयर कर दी, वो उस लोकेशन चला गया, उसने उस ओनर से मुलाकात भी कर दी बाय चांस, और उससे पूछ लिया सर आप क्या डिमांड कर रहे हो, और उसने बोला मैं 35 डिमांड कर रहा हूँ, तो आपकी इमेज तो गई। जो एक पोटेंशियल क्लाइंट आपका बन सकता था, जिसके वजह से आपको और रेफरेंस मिल सकते थे भविष्य में, वो रेफरेंस भी गया, वो क्लाइंट भी गया, आपका आपकी पहली जो इमेज है वो तो खराब हो गई। तो ऐसे काम नहीं करने, अभी आपकी शुरुआत है, अभी आपको फोकस करना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ काम करना, अपने तजुर्बे को बढ़ाना, अपनी स्किल्स सेट को इम्प्रूव करना, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना, अपनी नॉलेज को बढ़ाना, ये आपका स्टेप होना चाहिए अभी शुरुआती समय में। ये चीज़ें मैंने उनको कही कि अभी आप फोकस करो, जो आपको प्राइस कोट कर रहे हैं ओनर, वही आप प्रॉपर्टी, या जो आपके कंसर्न मैनेजमेंट टीम है जो बोल रही है कि ये प्रॉपर्टी है, ये प्राइस बोलो, यही डिमांड है, वही बोलिए, या जो ओनर डिमांड करता है, अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में काम करना चाह रहे हो तो जो ओनर प्राइस अभी कोट कर रहा है आप वही बोलिए, आप डिस्कस कर लीजिए उसके साथ, भले इनिशियली आप कमीशन मोड में काम कर लीजिए, आप मत कीजिए मार्जिन मोड में काम, अभी कमीशन मोड में काम कर लीजिए, बट वही चीजें बोलिए जो ओनर आस कर रहा है, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग करियर है रियल एस्टेट। जितनी भी बड़ी कंपनी हुई, जितनी भी बड़ा ग्रुप हुआ, जितनी भी बड़ी कंपनी हुई, वेंचर हुए, उन्होंने शुरुआत में ऐसे ही काम किया, चाहे इंडिविजुअली भी काम कर रहे हो तो ऐसे ही काम किया, क्योंकि उन्हें अपनी मार्केट बनानी है, उन्हें अपनी रेपुटेशन बनानी है। ऐसा नहीं चाहिए कि आपने एक ऐसी प्राइस बोल दी अनरियलिस्टिक सी, और बैकग्राउंड से चेक किया, वेरीफाई किया, आपके पास तो होल्ड है नहीं उस प्रॉपर्टी का, आप तो किसी और की प्रॉपर्टी को कुछ भी कोट करके बोल रहे हो, तो वो चीज आपकी इमेज को खराब करेगी, और आप तो अभी स्टार्ट ही कर रहे हो। जब जितनी भी बड़ी कंपनी हुई है, उन्होंने क्या किया, कमीशन बेसिस में काम स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके वो लोग खुद अपने पैसे लगाने लगे, खुद इन्वेस्टमेंट करने लगे, प्रॉपर्टी को उठाने लगे, फिर सेल करने लगे। अभी आप उस मोड में नहीं आए, जब आप उस मोड पे आओगे तब आप अपने हिसाब से जो भी आपको ओनर से आप प्रॉपर्टी लो, राइट्स लो उस प्रॉपर्टी के, फिर आप अपने हिसाब से बेचना उसे, जब आप उसमें पैसा लगा लोगे, आप इन्वेस्ट कर लोगे, या आप उसके राइट्स ले लोगे, सेलिंग राइट्स ले लोगे, तब आप जस्टिफाई कर सकते हो जो आपको कोट करना होगा। अभी नहीं, अभी आप जो आपको प्राइस बोला गया है आप वही कोट कीजिए। तो यही
आपको भी ध्यान रखना है जब आप नए स्टार्ट कर रहे हो, जब आप नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हो, अभी नया स्टार्ट कर रहे हो, न्यूबी हो रियल स्टेट बिजनेस में, तो इस बात को ध्यान रखिए कि आप अपनी एक रेपुटेशन बनाएं, अभी आपकी मार्केट में इमेज जानी है, एक्सपीरियंस गेन कीजिए, स्किल्स डेवलप कीजिए अपने आप में, और एजुकेशन लीजिए, नॉलेज बढ़ाइए। जब इन चीज़ों को आप इन पॉइंट्स पे फोकस करोगे तभी आप एक सक्सेसफुल करियर देख सकते हो रियल एस्टेट बिजनेस में। और ऑनेस्टी के साथ काम कीजिए, ये आपका इनिशियल फोकस होना चाहिए। जो आपको लिस्टिंग प्लेटफॉर्म मिल रही है आप उस पर पोस्ट कीजिए, पिक्स शेयर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, जितना बेस्ट अपना रेपुटेशन बना सकते हो, जितनी मास ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, मतलब जो भी आपको सीखना है आप उसे अप्लाई कीजिए, बट ऑनेस्टी के साथ। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा, ऑनेस्टी के साथ अप्लाई कीजिए, तभी आप एक अच्छा रियल एस्टेट करियर बना सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए काम कर रहे हो तब तो किसी को लूटने के लिए काम करना, शॉर्ट टर्म के लिए काम करना तो जो मर्जी करो, बट लॉन्ग टर्म अगर अप्रोच रखनी है तो ऑनेस्टी के साथ काम कीजिए। यही आपका पहले समय का इनिशियल जो फेज है, आपका पहले 1, 2, 3, 4 महीना जो इनिशियल फेज है वो इसी में फोकस होना चाहिए, अपनी मार्केट बनाने में। बाद में जब आप अच्छा सर्व कर लोगे, कुछ क्लाइंट सर्व कर लोगे, तो रेफरेंस ऑटोमेटिकली आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो सभी रियल स्टेट भाइयों के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें। गॉड ब्लेस यू।